सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप हिंदुस्तान के जाने माने शायर हैं, हमारे सिद्धू साहब भी शेर व शायरी को बहुत पसंद करते हैं, तो आज आप आए हैं तो आपकी तरफ से सिद्धू साहब के लिए कुछ हो जाए। अरे तो सोच रहा था कि सिद्धू साहब मुझ पर शेर सुनाएंगे आज। नहीं, वो ज्यादा लड़कियों को सुनाना पसंद करते हैं। लेकिन सिद्धू साहब, मैं आप पे अपनी जो मेरी स्पेशलिटी है, जिस तरह की धुन है, मैं उस पर चार लाइनें सुना रहा हूं। क्या बात है, उल्टी गंगा में भी कुछ देश की मिट्टी से ओ तप्रोत कहते हैं, गुरु के बाज हैं पर शांति दूत कपोत कहते हैं। वाह करिए। गुरु के बाज हैं पर शांति दूत कपोत कहते हैं, भले वो खेल हो या हास्य हो या राजनीति हो, सभी में सिद्ध जो सिद्धू उसे नवजोत कहते हैं। क्या बात है, आज लाजवाब है भाई। अच्छा, कुछ दिन पहले यहाँ पे परेश रावल साहब आए थे। ओहो, जो कि बीजेपी से हैं। कांग्रेस तो सामने रहती है, आज आप आए हैं। अच्छा, आज मैं कह सकता हूँ मेरा सारे राजनीतिक दलों के साथ उठना बैठना। कुमार भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पे गए हो परफॉर्म करने जी, और पॉलिटिकल स्टाइल काफी रहते हैं, लेकिन जब आपने देखा हो कि सामने कोई और दूसरी पार्टी के नेता बैठे हो, तो फटाफट अपनी कविता बदल ली हो, ऐसा कभी? नहीं, 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 नहीं। मैंने कभी ऐसा नहीं बदला। मैंने सबसे पहले अगर पढ़ भी दिया ऐसा कुछ जिसमें गड़बड़ है, तो मैंने सबसे पहले देखा कि मंच पे वो जगह कहाँ से है, सुविधा से उतर के भागा जा सकता है। कार्यक्रम के बाद निकलने की सुविधा कहाँ से है वो देखा। कुमार साहब का असली जो नाम है वो विश्वास कुमार शर्मा है, इन्होंने पलट करके कुमार विश्वास रख लिया। सर, आपकी किसी से शर्त लगी थी कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं नाम पलट दूंगा अपना? ऐसा नहीं था। मैंने जब पहली बार पोएट्री छपने भेजी, तो मेरी जो बड़ी बहन है वो हिंदी में प्रोफेसर है, वंदना, तो उसने मुझे कहा कि ये विश्वास कुमार शर्मा बड़ा नॉन पोएटिक नाम है, बड़ा कविता की फील ही नहीं आ रही। अच्छा। तो नाम सोचे गए कि भाई साहब विश्वास विश्वासी फला डिमका, तो कुमार विश्वास बदल के चल गया। नाम में बड़ा होता है। एक राजा के यहाँ तीन वीररस के कवि गए। अच्छा। तो वो तीनों एक के बाद एक सुनाना था, तीनों कॉम्प्लेक्स में थे कि ये नहीं जम जाए पहले वाला। तो पहले वाला बोले कि राजा ने कहा कि आप साहब बहुत अच्छे कवि, क्या सुनाएंगे? बोले देश की कविता। बोले नाम क्या है? बोले अरिदल गंजन सिंह। नाम से ही जम गया भाई, अरिदल गंजन सिंह। तो पीछे वाला फ्रस्ट्रेटेड हो गया, वो उससे बोला कि अच्छा आप क्या सुनाएंगे? बोले मैं भी वीरस की कविता। बोले आपका नाम क्या? उसने कहा इसका अरिदल गंजन सिंह। बोले मेरा नाम है अरिदल भुजबल भंजन सिंह। ये भी जम गया। तीसरा वाला आया, वो और फ्रस्ट्रेटेड। बोले अरिदल गंजन हो गया, अरिदल भुजबल भंजन हो गया। बोले आपका नाम क्या है? बोले साहब मेरा नाम है अरिदल भार्या पीन पयोदर मंडन मान विमर्दन सिंह। वो इसी नाम पे जम गया ताली। अच्छा, किसी को कुछ ढूंढना हो ना तो वो गूगल पे ढूंढता है। पिछले दिनों गूगल ने इनको ढूंढा था। गूगल ने आपको क्यों बुलाया था सर अमेरिका? उन्होंने ढूंढा कि यार ये पोइट्री वोइट्री में कौन आदमी चल रहा है, कौन सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप आइए और बताइए हिंदी कविता के बारे में, पोइट्री के बारे में। और मुझे पहली बार बहुत अच्छा लगा वहां जाके। इसलिए अच्छा नहीं लगा कि गूगल हेडक्वार्टर्स ने बुलाया, इसलिए अच्छा लगा कि जो हिंदी जबान आज से 10-15 साल पहले जरा ये मानी जाती थी, अच्छा पोइट्री ओ कवि, आज कम से कम इस जबान ने, इस भाषा ने, इस माँ ने ये अधिकार दिया कि पूरी दुनिया सुन रही है, पूरा जमाना सुन रहा है और माँ हिंदी का नाम जा रहा है। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। क्या बात है, वाह। पर पाजी, कभी कभी ये हुई बात, कभी कभी इंग्लिश का फायदा होता है, जब जल्दी जल्दी कोई बात पूछनी हो ना, जैसे किसी ने कोई बात कही, हिंदी वाले पूछते ना कि माफ कीजिए मैं समझा नहीं, क्या दोबारा से बोलेंगे? इंग्लिश में फोटो पार्डन। इससे भी आगे हमारे जो रीजनल जेस्चर्स हैं, जो इलाके, जैसे मैं जा रहता हूँ मेरठ में, जैसे आपसे पूछिए कि वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, तो आप कहेंगे नो आई वुड नॉट लाइक। उधर क्या आप चाय लेंगे कपिल? नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा। हमारे पूछे भाई चाय पिएगा? ये तो दुनिया के किसी कोने में नहीं पाई जाती, पाई नहीं जाती ये हमारी पर्सनल खुद की। पाजी, कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, ये लाइन किसने बनाई थी? अच्छा देखो क्या था ना जी, एक आदमी कवि जो है रात को मुशायरा वशायरा कविता वविता पढ़ के और उसके बाद परम दशा को प्राप्त होके, अच्छा तीन तल का परम दशा मतलब एकदम कंप्लीट, वो पांच पांच के रात को पहुंचा तो नगर पालिका का जो सीवर था उसका कोई ढक्कन चोर ले गए उठा के। अच्छा। तो उसमें वो नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया तो मिला ही नहीं, सूरज की रोशनी भी नहीं गई, तो वहां लेटे लेटे उसने कहा कि जहां न पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। पाजी, आज हमारे मंच पे हिंदुस्तान के
और दिग्गज कवि जो हैं वो आने वाले हैं. मैं उनका नाम लेने के लिए भी अभी बहुत छोटा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि कुमार भाई आप प्लीज अपने अंदाज में, बिकॉज देखिए मैं उन्हें इसलिए बुलाना चाहता हूँ, जो हमारी बात भी हो रही थी कपिल से, कि ये हिंदी है, मैं हिंदी की ओर से हूँ, और दूसरी हमारी मौसी है उर्दू. हिंदी और उर्दू में बस फर्क है इतना, वो ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना, इतना सिर्फ अंतर है. बाकी जबानें एक हैं. तो एक और ऐसे बहुत बड़े शायर जिनका सबको मन था, इन्होंने बहुत सारे नगमे लिखे हैं, और मैं उन्हीं का शेर उनको सुनाता हूँ कि काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं और वो कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं. राहत इंदौरी साहब का स्वागत. दुनिया के उर्दू के सबसे बड़े शायर जनाब राहत इंदौरी साहब, कैसे हैं सर? मेहरबानी. वेलकम सर, वेलकम 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 सर. बहुत बहुत आपके बहुत बहुत मुबारक. आपका स्वागत है, आपका स्वागत है. आइए राहत भाई. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत. और हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे इस मंच पे पधारे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए. बहुत शुक्रिया. तो सर इससे पहले कि कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू हो, कुछ हो जाए सर. मेरा ख्याल है सीधा सीधा से बताओ कि शेर हो जाए, वरना कुछ और भी कर सकते हैं. अगर हम कितने बिगड़े हुए हैं ये पता करना हो तो हमारे घर का बुजुर्ग देखिए, वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ. असल में कुमार शायद मेरी उम्र की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इन्हें यह नहीं मालूम कि मेरी उम्र आज 70 बरस की है, लेकिन किसी जमाने में मैं 20 बरस का भी था. मैं यही कहूंगा कि गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है. गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है. मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या. क्या बात है. खड़े हो जाए यार. सर वंस मोर हो गया जी. इतनी मोहब्बत से जो आप लोग यहाँ बैठे हैं आज इस मंच पर, तो मैं आप सबके लिए एक शेर पढ़ता हूँ. सिद्धू जी आप भी शरीक हैं. अरे क्या बात है सर, धन्य हो गए हम तो, धन्य हो गए. कह रहा हूं कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है. किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है. आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है. देखिए कुमार आप मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई हैं, लेकिन ये दोनों शेर जो मैंने पढ़े और जिस तरीके से आपने सुने जी, उससे अंदाजा हो गया कि 20 लतीफे सुनाने से बेहतर है एक शेर सुना. क्या बात है, क्या बात है. अब आया विपक्ष का चेहरा सामने. राज साहब आज तो हमें सुनना है बस. वही जो कह रहे थे दोबारा बोलिए जरा. वंस मोर सर, वंस मोर. राज साहब आज दबा भी नहीं. राज साहब यंग लड़के लड़कियां भी काफी बैठे हैं, थोड़ा रोमांटिक भी सुनना चाहते हैं. मैं फिर एक शेर सुनाता हूँ जी. ये बताया कि हमारे यहाँ नौजवान ज्यादा हैं, मुझे कुछ बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं जी जी. वो बुजुर्ग भी मेरा ये शेर सुन लें, लेकिन वो उस पर अमल ना करें. तो नौजवानों के लिए खुली छूट है जी. कि वो अमल भी कर सकते हैं. राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना. इशारों में बता भी देना. राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना. हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना. क्या बात है यार. हमने पहले ही कहा था कि हम कितने बिगड़े हुए हैं ये देखना हो तो हमारा बूढ़ा देखना.
देखिए कुमार बार 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 बूढ़ा कह रहे हैं, मेरी उम्र का ताना दे रहे हैं मुझे, लेकिन इन्हें बेचारा ही कहूंगा, इन्हें ये नहीं मालूम कि इश्क करने की सही उम्र यही है जो मेरी है। क्या बात है, इस उम्र में कपिल, इस उम्र में सिर्फ इश्क होता है और कुछ होता ही नहीं। क्या बात है, माय गुडनेस। ओ सर, कमाल कर दिया। हमारे एक बहुत बड़े कवि है लखनऊ के जी, पांडे जी का, कि बदन होता है बूढ़ा, दिल की हसरत कब निकलती है। बदन होता है बूढ़ा, दिल की हसरत कब निकलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। सर आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए, बहुत बहुत स्वागत है, तालियां जोरदार होनी चाहिए।